नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम दादर कुलवा पंचायत में पहुंच चुके हैं और यहां पिछले 5 वर्षों से बतौर मुखिया के रूप में कार्यरत काम कर चुके। सबसे पहले अपना परिचय बताइए तो क्या है? हमारा नाम लखिंदर सा हुआ, मैं दादर कुलवा का मुखिया जी हुए और पहले बार हमने जीता। हमारे शुभकामना देते हैं, हमारे जनता जो है सो हमारे भाई सभी मिलकर के, भाई और बहनों सभी मिलकर के हमारा जो है सो चुने और मैं 5 साल से चलाते आ रहे हैं। लखिंदर जी, पिछले 5 वर्षों में आपने ऐसा क्या किया कि जनता फिर दोबारा मौका देगी? मैं पिछले जब 5 वर्षों अब बीतने जा रहा है और फिर चुनाव आ रहा है, इसमें हमने लगभग 42 गो रोड बना दिए, 16 गो नल जल कर दिए, 14 गो वार्ड है, 16 गो नल जल हुआ। अभी 2 गो नल जल मेरा बाकी रह गया जो अभी पैसा सरकार का नहीं था, इस कारण नहीं बना है। अभी 2 गो नल जल का अभी और मांग किए हैं जो बांध के पट्टी पड़ता है विजय छपरा में, और एगो रेलवे का और अथी के बीच में पड़ता है 4 लाइन का, जो ये पट्टी से पट्टी पाइप नहीं जा पाया और पैसा जो है उनमें नहीं था, इसके कारण नहीं बन सका। अब सरकार से मैंने इससे पहले मांग किए थे 3 करोड़ रुपया का, जो दिया जाए, जो हम लोग जो है जो भी बचा हुआ है उसको खींच दे, अभी तक सरकार के यहाँ से नहीं मिला। मैं कुछ एडवांस काम जो है से कर दिए हैं, जो अभी तक लगभग 42 गो रोड कर दिए हैं, 42 गो के करीब में होगा, गिन करके बतलाएंगे जो हमारे रोड सब जो छोटा भी बड़ा भी मिला करके जो किए हैं, कहीं योजना में पैसा नहीं है तो वो योजना का उसमें से तोड़ के उसको बना है, ये लेकर के बनाते हुए लगभग हमको अंदाज है जो 42 गो के लोगों में रोड बना है। और विकास के काम जो है मैं करते आ रहे हैं और अभी जगह जगह जो भी होता है जो दबार रहता है हमारे बाढ़ क्षेत्र एरिया है वहाँ जो है कुछ रोड टूट जाता है, उसका भी मरम्मती के लिए हम सरकार का जो है हम इंजीनियर साहब को कहें, मांग किए इंजीनियर साहब जो कहाँ कहाँ टूटा हुआ है, मैंने उनको जवाब दिए। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में मैं भी भ्रमण कर रहा हूँ तो देख रहे हैं कि लगातार पॉवर्टी बिलो जनता अधिक है, तो यहाँ सामुदायिक भवन वगैरह ये सब का निर्माण हुआ है कि नहीं अभी तक? समुदाय भवन पंचायत सरकार भवन का हम मांग किए थे DM साहब से, हम बनने के बाद जो एक दरखास्त दे हमने जो है सो तबाह हो गए थे, CO साहब नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद DM साहब के यहाँ बोलाहट हुआ, बैठक हुआ बाढ़ एरिया पर, तो उस समय मैं मांग किए थे हुजूर से, अनुरोध किए थे, तो हुजूर कहें जो यह कागज़ आप दिए हुए हैं, हम कहें सर कई बार हम CO साहब को दिए, अभी DO साहब का मोर एक कहाँ कागज़ है सो कोई पता नहीं, तब जा कर के उस समय हम कहें जो सर आप अपने के यहाँ भी हम जो है सो कागज़ दर्शन कर दिए हुए हैं ऑफिस में, उसी घड़ी जो है सो DM साहब ने मंगवा करके हमारे पास कराए, आज जो है सो निर्माण कर करके कुर्सी तक ले आए हुए हैं, जो पैसा के कारण जो है सो रुक गया, पैसा MB हुआ, इसके बाद पैसा आया थोड़ा तो एडवांस काम हम लोग का किए हुए थे तो उस लोग को छड़ गिट्टी वाले को दिए, अभी तक फिर पैसा नहीं आया, इस कारण अभी हाथ नहीं लगा है, फिर पैसा आएगा, अभी तो इलेक्शन आ गया इसमें अब तो हाथ नहीं लगेगा, अब पैसा आएगा तब हाथ लगेगा। अच्छा, 5 वर्षों में सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि 5 वर्षों में लगभग 2-2.5 साल कोरोना ने ले मतलब कोरोना काल था, उसके बाद जो अप्रत्याशित बारिश भी हुई और बाढ़ भी आया, तो ये रेडियस में सबसे प्रभावित था, उस वक्त क्या बतौर मुखिया आपने किया? लगभग बाढ़ जो एक कोरोना था, कोरोना के बाद जो है सो हम लोग मास्क खरीद करके जो है सो बांटे, उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, तो पैसा सरकार का उस समय नहीं था तो योजना में तो रोड में लग गया हुआ था, जो रोड हमारे यहाँ का पुरपुर लगभग 40 वर्ष से जो है सो हमारे मुखिया जी लोग थे, उस समय क्या पैसा आता था कि नहीं आता था ये हमको जानकारी नहीं है, मगर बतवा है जो पैसा जो हमारे यहाँ आया है उससे बरबकत हम एडवांस काम करते चले गए और एडवांस काम करते चले आए हैं, इस लेकर के हमारे पैसा भी अभी तक फंसा हुआ है, जो अभी तक पंचम में जो एक रोड कर दिए हुए हैं, पंचम से एक
मास्क भी मंगवा दिए हुए हैं, जो उसमें पैसा मेरा अटका हुआ है, जो अभी तक पैसा हमने कहा है पंचायत सेवक को, जो दरखास्त लिख करके पंचायत राज में दिया जाए, जो हमारे पैसा मंगवाइए, हमारे पैसा दीजिए। और हमारे बाहर एरिया है, बाहर एरिया में लगभग हम 4200 कुछ आदमी का जो है, मैं बाहर का 6000 रुपया सरकार से दवाया गया है, और जो भोजन चला है 5 काउंटर चला है, सभी हमारे जनता को भोजन मिली है। अच्छा अच्छा, एक लास्ट सवाल, जनता से क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देना चाहते हैं जो हमारे जनता जो है सो पूरा माने स्वागत है हमारे भाई और बहनों का, जो हमारे जीत कर करके जिताए हमारे 5 साल के अंदर में, हमारे से वह हमारे सभी जनता जो है, अभी कुछ लोग जो है एंटी पार्टी है वही जो है सब कुछ लोग इन्हें उन्हें करते हैं, और नहीं तो जनता हमारे खुश है जो मैं रोड रास्ता बनाए, विकास के काम किए और एडवांस काम किए, इस लेकर के हमारे और खुश हैं और स्वागत देते हैं, जो धन्यवाद हैं जो हमारे जनता लोग। और अभी दशहरा का समय है और पर्व का समय है कार्तिक पर्व का, इसमें हम शुक्रिया धन्यवाद देते हैं, जय 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 हमारे धन्यवाद रहे, हमारे जनता खुश रहे और इसी तरह चलते रहे और बहुत अच्छे तरह से हमारे शुभकामना दे रहे हैं। ये थे लखिंदर शाह, जो बतौर पिछले 5 वर्षों से मुखिया के रूप में जो काम किए, और इनका कहना है और दावा भी है कि मैंने जो जनता की सेवा की है, इस चुनाव में जनता उसका रिवार्ड देगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।